हरिलाल जी भाई जी, हाँ नमस्ते, बोलिए बोलिए। नमस्ते नमस्ते। हाँ जी, हाँ जी बोलिए। अभी 1.5 साल से मैं कर रहा हूँ हाँ सब, हाँ लेकिन अभी मेरे को बारिश होने हो गया है, हाँ तो इसमें कुछ दवाई है? मच्छी कितनी बार खाई आपने साल में? मच्छी तो मैं अभी मंथ में 1-2 बार खा लेता हूँ। बराबर बराबर। गाड़ी में पेट्रोल की जगह डीजल डालोगे तो परिणाम भुगतना पड़ेगा। अभी आपको एक ही काम अच्छा करना पड़ेगा कि आपको जो पाइल्स हुआ है उसका कारण भयानक एसिड्स। मैंने पहले कहा कि एसिड जो बॉडी में पैदा हुआ तो आपको प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले एक ही काम करना पड़ेगा कि पाइल्स की बीमारी जो है, रास्ता चौकअप हो गया है, ट्रैफिक जाम हो गई है। आपको एक ही काम करना पड़ेगा, आपको अभी टोटली रसार पे आना पड़ेगा। और अगर होता है तो 24 घंटे का निर्जला उपवास आपको करना पड़ेगा। कम से कम 24 घंटे का एक आध दिन तो करो हफ्ते में या 15 दिन में, फिर देखिए आपको बहुत आराम पड़ेगा पाइल्स में। पाइल्स का प्रॉब्लम केवल ट्रैफिक जाम है, बाकी कुछ नहीं है। एसिडिक भोजन बंद करो, और आपने 1 साल से किया है तो मैं कहता हूं 1 साल में आपने रात का भोजन भी चालू रखा है, मुझे पता है। पहले 15 दिन आपने किया होगा, कोरोना के समय में आपने किया था, पर बाद में कितनी बार आपने 15 दिन का रसार किया जरा बताइए तो ईमानदारी से। रसायन चालू ही अभी दोनों समय की मैं बात कर रहा हूं, दोनों समय नहीं, एक समय मैं का क्या अपना कह रहा हूं, दोनों समय का रसार जो होता है उससे बॉडी क्लीन होना शुरू हो जाता है। एक टाइम का रसा और एक टाइम का भोजन से क्या होता है कि बॉडी में एसिड जो है वो पैदा ही होता है। आप झाड़ू मार रहे हो और सफाई कर रहे हो, गंदगी तो हो ही रही है। मैंने कहा क्या कि आप अपने डॉक्टर बन जाओ, जब आपको लगेगा कि मुझे बीमारी आ गई है, आपको एक ही काम करना है, काम चालू रास्ता बंद कर देने का है, बिल्कुल पकाया भोजन को हाथ में लगाना है। आप अपने डॉक्टर बन जाओ ना, सफाई चालू कर देने का, खाना बंद कर देने का। रात में खाना खा रहे हो इसका मतलब आप शरीर को भोग दे रहे हो, भोग दे रहे हो इसका मतलब क्या हो गया, भोग है तो रोग है, कॉमन सेंस की बात है। तो आपको भोग छोड़ना है, टोटली कच्चे पे आना है। अगर आपको पाइल्स की बीमारी नहीं चाहिए तो 15-20 दिन आपको बिल्कुल पकाया भोजन हाथ में लगाना है। इतना आप करके देखिए, फिर देखिए आपको ये तकलीफ जो है ये ऐसे छू मंतर हो जाएगी। ये कोई बड़ी बीमारी नहीं है, छोटी बीमारी है। अच्छा, हाँ थैंक मैं कहता हूं हर 3 महीना 6 महीना आप अपने बॉडी को अनुभव कीजिए। 3 महीना 6 महीना साल में 2-4 बार 15-15 दिन का रसार कीजिए ना, करना चाहिए ना, हम लोग भी तो करते। अभी मैं मार्कंडे पर्वत पर जाके आया, 3 दिन मैंने क्या खाया, 1 लीटर बोतल मैंने 3 दिन में खत्म की, उससे ज्यादा पानी नहीं पिया मैंने। और इतने बड़े पहाड़ पर चढ़कर गया, और मार्कंडेय जी का मैंने पुराण पढ़ा 650 पन्ने, कौन सी थकान आई मुझे, पूरा पहाड़ चढ़कर गया मैं कहता हूँ अपने शरीर की शक्ति का एहसास तो समझो, कितनी पावर दी भगवान ने, इस्तेमाल करो। छोड़ दो 15-20 दिन खाना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और आप महंगा खा रहे हो, हल्का थोड़ी खा रहे हो, उल्टा महंगा खा रहे हो। और